अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी दानिश। आज मैं आपको गरारी की कटिंग बताने वाली हूँ। ये 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। सबसे पहले हम 2 इंच दो इलास्टिक के लिए निशान है, उसको इस तरह से निशान लगाएंगे जहाँ मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इस तरफ भी। अब जो मेरा हिप का पार्ट है वो है 7 इंच, इस 7 इंच पे यहाँ निशान लगा ली हूँ। अब नीचे भी आएंगे 6 इंच, इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और 2 इंच इलास्टिक के लिए छोटा हुआ है। फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच का लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम एक शेप का निशान देंगे जो हम आर्म होल के लिए लगाते हैं, ये देखिए। फिर हम नीचे आएंगे 4 इंच, इस तरह से 4 इंच का निशान लगा ली हूँ। और जो हमारी फिटिंग रहती है घुटने का, वो हम उतना लेंगे। ये हमारे घुटने तक की लंबाई है पैर के। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान, 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये दोनों को इधर से जॉइंट कर दूंगी, ये देखिए। ये जो तो मेरा है जॉइंट हो गया है। अब इसको मैं इतना सीधा कर लूंगी। पूरे कितने आए हैं, 10 इंच, 9.5 इंच, इधर भी 9.5 इंच पे निशान लगा के ये लाइन को सीधा करके कट कर दूंगी, देखिए। और जो नीचे का घेरा है मैं अभी उस कट करके बताने वाली हूँ। देखिए ये मेरा ऊपर का पार्ट कट के हो गया है। अब नीचे के पार्ट को कट करेंगे। देखिए कपड़े को मैं इस तरह से कट कर ली हूँ लंबे साइज में। इसके लेंथ ज़्यादा है और जो वेथ है वो कम है। तो हम इसको इस तरह से पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। इसमें मेरा दोनों पैर का है। इस तरह से मैं 4 फोल्ड में इसको कर ली हूँ। जितना हमें लेंथ लेना है उतना लेंथ ले लेंगे। मैं इससे थोड़ा डबल लेंथ लूंगी, जो हमारा है घुटने वाला, इससे मैं डबल लूंगी ताकि हम थोड़ा थोड़ा चुन लगा सके। तो देखिए मेरा इतना है, तो मैं इतना तक निशान लगा लूंगी। इसमें मैं हल्का हल्का चुन देने वाली हूँ। जो हमारा लेंथ है पूरा इतना आया है, देख सकते हैं आप, कुल 17 इंच का लेंथ है। अब इसका चौड़ाई है वह मिलूंगी 8 इंच, इसमें 1 इंच सिलाई प्लस है। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाई हूँ। मैं इसको दो इसको इस तरह से ज्वाइन करके कट कर दूंगी। देखिए जो मेरा घेरा है वो कट करके हो गया है। एक साइड पे एक साइड उसको मैं ओपन कर दूंगी। देखिए जो मेरा है इस तरह से कट करके हो गया है। देखिए इस तरह से मैं इसमें प्लेट से इस तरह से लगाने वाली हूँ। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब मैं गरारे की स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ। देखिए पहले इन दोनों को इस तरह से बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। Thank you.
पे डबल सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से इस साइड का भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मेरा दोनों साइड की सिलाई लगाकर हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहां हम लास्टिक लगाने वाले हैं। अब मैं इसको इसे एक फोल्ड कर लूंगी सिंगल सिलाई लगा के, ताकि बेल्ट लास्टिक लगाने में आसानी हो। जो सिंगल सिलाई है वो लगाकर इस तरह से हो गया है। अब इसको तो मेरा लास्टिक है, लास्टिक को मैं इस तरह से रख लूंगी, देखिए ऐसा। फिर इसको भी इस तरह से ऐसा फोल्ड कर लूंगी, इस तरह से रख के ऐसा फोल्ड करके पूरी सिलाई लगाते जाऊंगी। ये देखिए मैं जो लास्टिक है वो लगाकर हो गया है, देख सकते हैं आप। इसमें हम एक सेंटर में भी एक सिलाई लगाने वाले हैं, जिससे हमारा चुन है वो अच्छा दिखता है। इस तरह से पहले चुन को हर साइड पे बराबर कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इधर से सेंटर में रख के सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से रख के और कपड़े को अपनी तरफ इस तरह से पूरा खींच के सिलाई लगाते जाएंगे। जो चुन है वो अच्छा दिखता है। देखिए मैं जो लास्टिक का फूल लगा के हो गया है, जो सेंटर की सिलाई तो भी लगा चुकी हूँ। देखिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। जो पहले हमारे घेरे की कटिंग थी उसको इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐसा एक तरफ पहले जो नीचे का रहता है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके पतला सा सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं पूरा सिलाई लगा लूंगी। देखिए जो मेरी साइड की सिलाई थी लगाकर हो गया है। अब जो ऊपर साइड का जहाँ चुन लगाने वाले हैं, और ये मेरा ऊपर का पार्ट है, मैं इसको इस तरह से सीधा रखी हूँ। इसको भी इसके ऊपर ही ये सीधा और ये सीधा इस तरह से सीधा रखेंगे। और हम एक साइड से सिलाई लगाते और चुन करते जाएंगे। हम थोड़ा दूर पे ही चुन करेंगे, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही प्लेट से लगाएंगे इस तरह से। आधा आधा इंच छोड़ के प्लेट्स लगाते जाएंगे। इसी तरह से पूरा करते जाएंगे। ये देखिए जो मेरा चुन है इस तरह से पूरा लगाकर हो गया है। इसको ऐसा सीधा करके इसके ऊपर एक डाब सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरह से डाब सिलाई लगा दूंगी। मेरा हो गया है एक साइड का। अब इसी तरह मैं दूसरे साइड का भी
बना लूंगी। ये देखिए मेरा दूसरा साइड का भी बनाकर हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों पैर का है, रेडी हो चुका है। अब जो इसकी फिटिंग है वो फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। देखिए फिटिंग करेंगे। इस तरफ आ जाएंगे फिटिंग करते करते। देखिए ये दोनों है, ये बराबर है। देखिए जो मेरा गरारा है वो साइड की फिटिंग लगाकर हो गया है, देख सकते हैं आप। और जो गरारा है रेडी हो चुका है। देखिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से गरारा जो है रेडी हो गया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसे हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये 2 साल के बेबी के लिए परफेक्ट नाप है। आप भी इसी नाप से 2 साल बच्ची के लिए बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।